नमस्कार आदाब, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हरदोई जिले में लव सेक्स और धोखा की एक अजीब कहानी सामने आई है। बिजली विभाग में तैनात एक कर्मचारी के प्यार में फंसकर एक युवती घर छोड़कर प्रेमी के किराए पर लिए कमरे पर जा पहुंची, जहां उसके साथ उसके प्रेमी ने शारीरिक संबंध बनाए और फिर भाग निकला। युवती अब दर बदर दौड़ रही है। एएसपी के पास पहुंची पीड़िता ने जब अपनी आप बीती सुनाई तो मामले में एफआईआर के आदेश अधिकारियों ने दिए हैं। आंखों में पहली नजर में प्यार एक कहानी के रूप में ही अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत की जिंदगी में यह भारी पड़ जाता है। ऐसी ही एक पीड़ित युवती एएसपी ऑफिस पहुंची और अपनी आप बीती सुनाई तो लोग दंग रह गए कि क्या ऐसे भी होता है। अब प्यार में धोखा खाई युवती ने एएसपी से अपने प्रेमी को पाने के लिए फरियाद लगाई है। दरअसल युवती के अनुसार पहली बार एक युवक अक्षय कुमार, जो कि बिजली विभाग में कर्मचारी है और सिटी पावर हाउस में काम करता है, उसको पीएनबी बैंक में मिला और दोनों ने एक दूसरे से बातचीत की। इसके बाद फोन नंबर का आदान प्रदान हुआ और फिर शुरू हो गया फोन पर बातचीत का सिलसिला। कब दोनों की बातचीत प्यार में बदल गई ये पता ही नहीं चला। दोनों का प्यार परवान चढ़ा और दोनों शादी करने के लिए कोर्ट मैरिज के लिए भी तैयार हुए। युवती का कहना है कि लड़के ने कमरा सुभाष नगर में लिया और उसके कहने पर वह घर छोड़कर उसके पास आ गई और उसी कमरे में रहने लगी। एक दिन लड़के ने उससे कोर्ट मैरिज के लिए सारे कागजात लिए और कमरे से चला गया और वो फिर दोबारा लौट कर नहीं आया। अब लड़की ने एएसपी कुंवर ज्ञानंजय से न्याय की गुहार लगाई है। एएसपी ज्ञानंजय के अनुसार प्रार्थना पत्र दिया है, इस पर एफआईआर के निर्देश दे दिए गए हैं। विधिक कार्रवाई कर न्याय संगत कार्रवाई की जाएगी। मेरे साथ में ऐसा हुआ है कि एक लड़के ने हमको मेरे घर से निकाल लिया। उसने हमसे ये बोला कि वो हमसे शादी करेगा कोर्ट मैरिज के लिए। उसने हमसे सारे पेपर भी ले लिए और उसके बाद में उसने हमको रूम पे ले गया, वहाँ पे मेरे साथ में रहा भी और थोड़े दिन तक मेरा उसके साथ में संबंध भी बना है। फिर उसके बाद में वो चला गया वहाँ से। अब उसका ना ही नंबर कोई मिल रहा है, ना ही उसका कोई अता पता चल रहा है। और उस चक्कर में हम उसको ढूंढते मतलब इधर उधर भटक रहे थे। हमें समझ में नहीं आता क्या करें। एक फ्रेंड थी मेरी, यहीं पे रहती है पिहानी रोड पे, उसके हम घर चले गए। उसके नंबर से मतलब घर के भाई के नंबर से हमने फ़ोन कर दिया, तो मतलब कि जो उसका भाई का नंबर था वो भाई उसके उस लड़के के कॉन्टेक्ट में था, वो उसे जानता था। उसने अब उसको वहाँ पर फंसा दिया, उस लड़के को। लड़का कह रहा है कि अनामी का, मतलब जो हम हैं, मतलब वो लड़का हमें भगा के ले गया है। आज सोनी पावर हाउस, सिटी पावर हाउस में बिजली विभाग में सरकारी नौकरी करते हैं। एक लड़की आई थी, बालिग लड़की थी, उसने आरोप लगाया है कि वो उसके प्रेमी ने उसको धोखा दिया है, शादी का झांसा दे करके उसके साथ दुराचार किया है। इस आरोप की जाँच कराई जा रही है। इंस्पेक्टर महिला थाना को इसकी जाँच दी गई है। जाँच के बाद जो भी तथ्य मौजूद होंगे, जो भी साक्ष्य पाए जाएंगे, उस पर कार्रवाई कराई जाएगी। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।